guys, welcome back to the channel and I am Muskaan Chaudhary here again with another interesting video। तो actually इस बारे वीडियो नहीं, एक सीरीज टाइप में मैं कुछ बनाने जा रही हूँ because it's a wedding season। लास्ट ईयर मेरी भी शादी हुई तो मैंने भी बहुत रिसर्च किया और बहुत मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन आस पास जहाँ कहीं हो सकता है सब जगह ढूंढी और तब जाके मैंने शॉपिंग की। तो मैंने सोचा क्योंकि वेडिंग सीजन आ रहा है तो क्यों नहीं जो अभी ब्राइड टू बी हैं या जिनकी कुछ महीनों में शादी होने वाली है या नेक्स्ट ईयर वो प्लान कर रहे हैं स्टार्टिंग में, तो क्यों नहीं मैं भी उन लोगों की थोड़ी सी हेल्प कर दूं जो भी मुझसे हो पाए। जो मैंने अपनी शादी के टाइम की जो शॉपिंग थी उससे जो मैंने सीखा और जो मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें मिली तो जो दिल्ली एनसीआर में रहते हैं उनके लिए हेल्प हो पाए। तो मेरी जो ये वीडियोस होने वाली हैं इसमें मैं डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी विद डिफरेंट डिफरेंट एपिसोड्स। अगर आप लोगों को कुछ पर्टिकुलर टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना ताकि मैं उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बना पाऊँ। लेकिन जो भी मेरे माइंड में है मैं उन सब चीज़ों के रिगार्डिंग यहाँ पे अलग अलग एपिसोड्स लेके आने वाली हूँ। ये मैं वीडियो जो बना रही हूँ वो अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग या जहाँ पे मैं शॉपिंग करती हूँ या मैंने कोई ऐसी जगह डिस्कवर की ड्यूरिंग माय शादी की शॉपिंग टाइम, तो मैं वो चीजें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मेरा ये है कि अगर आप शादी कर रहे हो तो कुछ अच्छा लो एंड कुछ ऐसा लो जो कि यू नो काफी टाइम तक रहे। बिकॉज अगर आप जैसा मैं अगर अपनी बात करूँ अगर शादी के टाइम में मैंने कुछ भी खरीदा है तो उसके लिए ना एक अलग सी फीलिंग रहती है और वो अगर जितने लंबे टाइम तक रहे वो बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक हर लड़की को लगता होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग आई थिंक लगता होगा। तो मैंने ना बहुत ज्यादा शॉपिंग नहीं की है कि हद से ज्यादा शॉपिंग कर ली है, नहीं, मैंने बहुत लिमिटेड, जबकि मैं अगर आपको बताऊंगी ना आप लोग शॉक हो जाओगे मैंने इतनी कम शॉपिंग की है। बट मैंने रिसर्च पूरी की एंड जो चीज ली मैंने वो अकॉर्डिंग टू मी बेस्ट थी, मैंने वही चीज ली है। तो हमारा पहला एपिसोड होने वाला है अबाउट फुटवेयर्स। यस, तो इसमें मैं आपको कोई बहुत ही अच्छी शॉप के बारे में बताने वाली हूँ जहाँ पे अगर जाओगे आपको हर तरीके का कलेक्शन मिल जाएगा, एक बहुत जेन्युइन प्राइसिंग में आपको एक बहुत अच्छी जगह मिल जाएगी। तो ऐसा ऑप्शन लेके आ गई हूँ मैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर में हैं, स्पेसिफिकली अगर गुड़गांव से हैं तो गुड़गांव में इनके डिफरेंट डिफरेंट जगह पे स्टोर्स हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ये वीडियो ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ब्राइड टू बी के लिए है, जो लोग यू नो पार्टी वेयर के लिए देख रहे हैं, ऑफिस के लिए देख रहे हैं या कैजुअल्स में देख रहे हैं या बच्चों के लिए देख रहे हैं या मेन के लिए देख रहे हैं, यहाँ पे हर तरीके का कलेक्शन मिलेगा। बिकॉज यहाँ पे मैंने अपनी सिस्टर के लिए भी शॉपिंग की है, यहाँ से मैंने अपनी मदर इन लॉ के लिए भी शॉपिंग की है एंड यहाँ से हम मेरे हस्बैंड के लिए भी कुछ लेके आए थे, मुझे एक्चुअली याद नहीं है। तो यहाँ पे हर तरीके का कलेक्शन है एंड फुटवेयर्स के साथ साथ इनके पास बैग्स के भी ऑप्शन है। मतलब अगर पार्टी वेयर शादी वगैरह वैसे बैग के भी ऑप्शन है, नॉर्मल हैंड बैग्स के भी ऑप्शन है एंड जुतियाँ भी हैं इनके पास। तो काफ़ी कुछ है एंड गुड़गांव में ही इनके 3-4 जगह पे स्टोर भी हैं और बहुत जेन्युइन और क्वालिटी तो इतनी अच्छी है। तो देखो मैं आपको स्टोरी बताती हूँ थोड़ी सी कि कैसे क्यों मैं स्पेसिफिकली शॉप को ही कवर कर रही हूँ, क्या रीजन है इसके पीछे। तो आई बिलीव इन थिंग्स कि अगर आप फुटवेयर ले रहे हो तो वो कंफर्टेबल होनी चाहिए, वो ऑफकोर्स लॉन्ग लास्टिंग हो, वो तो ऑफकोर्स हर कोई चाहता है कि लंबी चले फुटवेयर ऐसी हो, बट मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि वो आप कंफर्टेबल होनी चाहिए। तो हम ऐसे ही शादी के टाइम पे ना अलग अलग मॉल्स में जाके देख रहे थे कि कहाँ पे हमें कुछ अच्छा मिल जाए। व्हेन वी वर लुकिंग फॉर द फुटवेयर्स तो हमें एक शॉप मिली जहाँ पे हम गए एंड मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को एक सेम पीस मतलब दोनों को पसंद आया। तो हमने बोला कि हमें ये चाहिए एंड ही वाज लाइक मैम ये यहाँ तो इसका साइज नहीं है आपके अकॉर्डिंग, हमारा ना स्टोर जो है वो दूसरे मॉल में है, आप वहाँ जाओ वहाँ से ले लो। एंड देन वी वेंट देयर एंड वहाँ से मैंने भी लिया, जैसे मैंने आपको बताया मैंने भी लिया, मेरी मदर इन लॉ ने भी लिया, मेरी सिस्टर के लिए भी हम लोगों ने लिया क्योंकि बहुत अच्छा कलेक्शन था इनके पास, बहुत अच्छी चीज़ें हैं इनके पास एंड मैंने वो इतना पहना है। मैं अपने शूट में भी यूज करती हूँ बिकॉज मैं न्यूड कलर की हील्स ली थी उस टाइम पे, मैंने उसको इतना घिसा है, मतलब 1 ईयर में आप सोचो मैंने उसको मतलब वीक में 3 to 4 टाइम्स पहना ही पहना है या ज्यादा भी पहना होगा, जितने भी मैंने शूट किए हैं या मैं नॉर्मली वैसे भी पहनती हूँ। उतने कंफर्टेबल रहे हैं मेरे को बहुत अच्छा, मतलब 1 साल में मैंने घिस दिया हूँ, वरना मेरे फुटवेयर्स कभी भी घिसते नहीं है। अगर आप देखोगे ना 5 साल के बाद वो ना ऐसे लगेंगे जैसे अभी लिया है क्या, बिकॉज मैं इतना संभाल के रखती हूँ। बिकॉज लेकिन ये मैंने शूट में इतना ज्यादा यूज किया है तो ऑफकोर्स वो खराब होने की सिचुएशन आ गई है। बट बहुत अच्छे चले। मैंने वहाँ से और भी फुटवेयर्स लिए थे, बहुत अच्छी क्वालिटी है, अभी तक सस्टेन कर रहे हैं। एंड वो अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसको रिपेयर भी करके देते हैं। अगर आपको नहीं पसंद आए तो आप एक्सचेंज भी करा सकते हो। तो चलिए, अब बहुत सारी बातें हो गई हैं, मैं फटाफट आप लोगों को दिखाती हूँ कि वहाँ पे क्या क्या कलेक्शन है एंड क्या क्या प्राइसिंग में चीज़ें वहाँ पे मिल रही हैं, क्या प्राइस रेंज है उनका एंड कहाँ कहाँ पे शॉप है, वो सब चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। So I reached MGF Mall, which is Metropolitan Mall, and this is on second floor. And the store name is Sol Steps. आप देख ही सकते हो कितना बड़ा स्टोर लग रहा है। And they have variety of collection, as you can see. These are for office wear and casual wears and juttis, and यहाँ पे बच्चों के लिए भी options थे। और अब आते हैं हम ब्राइड टू बी या न्यूली ब्राइड के कलेक्शन के लिए। ये आप देख सकते हैं इनके पास कितने अच्छे कलर्स हैं, मेनली क्योंकि शादियों में हम लोग पहनते हैं ऐसे कलर, गोल्ड, रोज गोल्ड, सिल्वर, दीज आर द कलर्स, वही पहनते हैं। फिर मैं सोचा मैं दिखा देती हूँ आपको। सो दिस इज़ द ऑप्शन जो मैंने अपने लिए लिया। सबसे पहले दिस वॉज अ न्यूड कलर, बिकॉज मैं शूट करती हूँ तो यू नो एज अ मॉडल आपको न्यूड कलर्स ही पहनने पड़ते हैं शूज़ में, तो मैंने अपने लिए लिया था। देन दिस इज़ द कैजुअल वेयर अगेन, बट यहाँ पे मैंने ना एक हील देखी। मैं कभी ज़्यादा हील खुद पहनती नहीं हूँ, आई डोंट लाइक पर्सनली इतना पहनना, बट ये वाली हील ना मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो मैंने सोचा यार ट्राई करके देखती हूँ एक बार, यहाँ आई हूँ तो पहन के देख लेनी चाहिए। ये देखो, सी दिस वर लुकिंग सो नाइस एंड दे हैव 4 to 5 कलर्स इन दीज पर्टिकुलर हील्स। सो दिस इज़ द सेकेंड ऑप्शन जो पार्टी वेयर में था, एंड मैंने एक पर्टिकुलर ड्रेस ली थी, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने देखा है। दिस इज़ इन सिल्वर कलर, इतना अच्छा लग रहा था, जो शाइन होती हैं, एंड ऊपर से ये कंफर्टेबल भी था। मेरे लेग ना लंबे बहुत हैं बट वाइड नहीं है, तो उसकी वजह से ना मेरे को बहुत फिटिंग की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो ये जो इसकी स्ट्रिप थी वो थोड़ी लूज थी, उन्होंने मुझे टाइट करके दी। एंड ये 3 इंच हील थी। मैं सच बताऊँ इतनी ज़्यादा हील पहननी पसंद नहीं करती हूँ, बट मैंने एक ड्रेस ली थी, उसके लिए पर्टिकुलर मुझे लेना था, तो आई वाज लाइक चलो ठीक ले लेते हैं। बट इतनी हील होने के बाद भी दीज वर सो कंफर्टेबल एंड बहुत अच्छी लग रही थी। आप बताओ आपको क्या लगता है? एंड देन दिस क्लोजअप मैंने ले लिया एक बार आप लोगों को दिखाने के लिए। और आजकल मैंने देखा शादी में ना कुछ 3 to 4 कलर्स हैं जो कि चलते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, रोज गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, दीज आर द कलर जो कि चलते हैं, या न्यूड भी फिर हम लोग लेते हैं। तो इनके पास सारे कलर्स थे, आप देख ही सकते हो। एंड ये वाला म्यूल जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ अभी, म्यूल बहुत अच्छा था। एंड दीज जो ये वर्क किया हुआ था ना, ये भी इतना सिंपल येट एलिगेंट लग रहा था कि आप शादी में पहनोगे ना तो अलग से आपके पैर दिखेंगे। लुक एट द कलेक्शन, हर तरीके का कलेक्शन है इनके पास। सी ऑल द कलर्स। ये देखिए, ये ब्राइड के पैर पे कितना अच्छा लगेगा। ये आपकी नई नई शादी हुई है। एंड हील्स भी देखो इनकी, आई थिंक 3 इंच हील थी। एंड दीज आर द म्यूज जो मैं अभी आपको बोली थी, बिकॉज मुझे बहुत अच्छे लगे थे। इनके ऊपर कितना प्यारा काम किया हुआ है एंड बहुत ही सॉफ्ट थे। अंदर से मैंने चेक कर लिया, क्योंकि आप पहनोगे ना, मतलब अगर आप जूता पहन रहे हो यार, अगर वो सॉफ्ट नहीं है तो मज़ा नहीं आता, परेशान हो जाते हो आप। बट दिस आर सो कम्फर्टेबल। एंड देन दिस पीस, ये पता है मैं वीडियो के लिए बना रही थी, मतलब पहन के देख रही थी वीडियो के लिए, बट जब मैंने पहना ये इतना प्यारा लगा ना। और इसमें 3 कलर थे, अगेन वही रोज़ गोल्ड, गोल्ड एंड सिल्वर, तो मैंने अपने लिए रोज़ गोल्ड लिया है एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। सी एंड जिस दिन मैंने लिया है उससे अगले दिन ही मैंने ये पहन लिया, बिकॉज ये इतना अच्छा लगा था, मुझे बहुत पसंद आया। मुझे ऐसे बिना हील के ना फुटवेयर्स बहुत अच्छे लगते हैं, सो ये मैंने ले लिया। आप लोगों के पास ये प्राइस रेंज क्या स्टार्ट होती है, कितने से? 1290 से स्टार्ट होता है मैडम, और 36 तक, मतलब 3690 तक, मतलब वही 1200 से लेके 4000 सब तरीके के मिलेंगे ऑप्शन। अच्छा, ठीक है, ओके। एंड देन दिस ऑप्शन, ये तो मुझे इतना पसंद आया, मतलब अगर आपकी शादी होने वाली है और हल्दी का फंक्शन है तो आप ये पहन सकते हो। और इसके अंदर 2-3 कलर भी थे इनके पास। देन ये दिस ब्लैक ऑप्शन, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कंफर्टेबल था सारे के सारे जैसे मैंने आपको बताया। एंड देन दीज जूतीज, लुक एट द वैरायटी। दे हैव ऑल द ट्रेंडिंग ऑप्शंस। एंड जूतीज के बीच में इन्होंने कुछ क्लचेस भी रखे थे, तो मैंने सोचा मैं आपको दिखाती हूँ। एंड पर्टिकुलर मैंने क्लचेस और बैग्स के लिए एक शॉर्ट्स बनाए हैं, आप जाके शॉर्ट्स भी चेक कर सकते हैं। मैं वैसे उनका लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके देख सकते हो। एंड पोटलीज़ भी ये डिफरेंट कलर में थी, बहुत अच्छी थी। एंड उनके पास ऑफिस वेयर बैग्स भी थे बहुत सारे, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक क्लिप दिखाई है, आप देख सकते हो बहुत सारा कलेक्शन है। एंड अगर मैं बैग के प्राइसिंग की बात करूँ तो वही 1500 से लेकर 3000 के बीच में इनके पास बैग्स हैं। दीज पोटलीज वर लुकिंग सो क्यूट। एंड इससे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज आजकल ट्रेंड कर रहा है पर्ल के ऑप्शन, हर कोई पहनना पसंद करता है। इनके पास ये इतना प्यारा बैग था, मतलब पार्टी में भी लेके जा सकते हो इसको, अगर कोई वेडिंग का फंक्शन है उसमें भी कैरी कर सकते हो आप, रिसेप्शन में भी कैरी कर सकते हो। दिस इज लुकिंग सो नाइस, बहुत अच्छा। इसके स्टोर बताना गुड़गांव में यहाँ पे है, MGF सिटी सेंटर हो गया, आर्या मॉल, सिटी सेंटर आर्या मॉल और DT मॉल, DT सिटी सेंटर एक ही है मैडम। अच्छा ओके, तो DT मॉल, MGF ओके, और आर्या मॉल। अच्छा आर्या मॉल वो सेक्टर 68 वाला, ओके वो वहाँ पे बहुत चल रहा है। तो मतलब ऑल ओवर आप गुड़गांव तो कवर कर रहे हो। सो मैंने तो अपनी फुटवेयर शॉपिंग कर ली है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि आपको कैसी लगी। सो दिस वाज द वीडियो। मैंने यहाँ पे देखा बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे ऑप्शंस थे। एंड कुछ तो वो येलो वाला मुझे इतना प्यारा पीस लगाना, मतलब कि हल्दी फंक्शन के लिए इतना अच्छा है, उसको देखते ना मेरा मन खुश हो गया। एंड प्राइस रेंज है विच इज ऑल्सो 1200 टू 4000, मतलब इससे ज्यादा नहीं है और उससे कम नहीं है, इस प्राइस में है, लेकिन बहुत कंफर्टेबल है एंड क्वालिटी बहुत अच्छी है। गुड़गांव में ये 3 जगह पे है, तीनों की लोकेशन मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आए कि कहाँ पे है क्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। वैसे तो जो अभी इनके पास लेटेस्ट कलेक्शन है मैंने सब इसमें डाल दिया है, बहुत अच्छा कलेक्शन है सच में। मैं अपनी फ्रेंड के साथ यहाँ गई थी आज, मतलब कुछ फुटवेयर उन्होंने अपने लिए भी ले लिए हैं, सच में इनका कलेक्शन इतना अच्छा है। तो ये एक रिलायबल स्टोर है जहाँ पे आप जाके बेझिझक बिना किसी टेंशन के शॉपिंग कर सकते हो। आई कैन से दैट, बिकॉज वहाँ उस रो में आई थिंक 4 to 5 एक साथ स्टोर्स हैं फुटवेयर के लिए। मैंने सब जगह ट्राई किया है, मुझे याद है जब मैंने खरीदे थे मैं सब में जाके, सब एक स्टोर में जाके चीजें देख के आई थी, पहन के देखा सब चीजें की। एंड देन आई डिसाइडेड टू बाय फ्रॉम दैट स्पेसिफिक स्टोर। एंड उसके बाद में आज ले गई, मैं आज भी अपने लिए फुटवेयर्स ले गई हूँ। तो आज की वीडियो में यही खत्म करती हूँ। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। And I'm Muskan Chowdhury signing off for today, and I'll see you very soon in the next video. Till then, bye-bye. Take care.